कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मनकामनेश्वर मंदिर में दर्शन कर जल चढ़ाया व देश प्रदेश के खुशहाली और समृद्धि हेतु कामना। सावन मास के पहले सोमवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद लखनऊ के मनकामनेश्वर मंदिर में दर्शन कर जल चढ़ाया और देश प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि हेतु कामना किया। मंदिर में दर्शन करने के बाद निषाद ने कहा कि सबसे पहले तो मैं सावन महीने के प्रथम सोमवार के शुभ उपलक्ष्य पर देश व प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं देव अधिदेव भगवान शिव से प्रदेश और देश की तरक्की एवं खुशहाली हेतु प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करे। एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आज महामहिम राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है और ये मतदान सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होना है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, सांसद और विधायक आज मतदान करेंगे। आज मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं, आपको बता दें, उन्होंने कहा, आज मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि हमारी आदिवासी महिला बहन द्रौपदी मुर्मू, जिनको एनडीए ने अपने उम्मीदवार बनाया है, वह प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। विपक्ष के प्रत्याशी को विपक्षी दल के सहयोगी दल ही समर्थन नहीं दे रहे हैं। अब तो जीत का मार्जिन जितना होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। द्रौपदी जी का चुनाव लड़ना ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के हर उस वर्ग की चिंता है जिन्हें पूर्व की सरकारों ने तिरस्कृत किया है। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में नया नया कीर्तिमान बन रहा है और उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे उत्तम प्रदेश बनने की राह पर निरंतर अग्रसर है।